महाराष्ट्र में फडणवीस का ऐलान, लॉकडाउन मत भूलना, टास्क फोर्स के गठन की तैयारी। चीन के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस में नए म्यूटेशन की जानकारी हासिल करने के लिए रोजाना होने वाले कोरोना टेस्ट में मिले सैंपल की पूरी जीनोम सिक्वेंसिंग करने का निर्देश दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने विधानसभा की स्थिति का जिक्र किया और याद दिलाया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश में लॉकडाउन हुआ था। महाराष्ट्र सहित देश को कोरोना की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अमेरिका और चीन में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें लॉकडाउन करना पड़ा है। जब हमें पहला मरीज मिला तो दुबई से एक दंपत्ति आया था, उसके बाद ड्राइवर को कोरोना वायरस हो गया और वहीं से संख्या बढ़ती गई, अजीत पवार ने कहा। जापान, चीन, कोरिया, ब्राजील में कोरोना के नए उप प्रकार पाए जा रहे हैं। कोरोना की महामारी नई है और चीन में गंभीर स्थिति पैदा हो गई। चीन में बेड की कमी के चलते मरीजों को कार जैसे वाहनों में भर्ती किया जा रहा है। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के नए उप प्रकार की जाँच और देखभाल करने की अपील की, अजीत पवार ने कहा। क्या हम चीन में स्थिति की निगरानी के लिए प्रसार पर एक समिति या टास्क फोर्स और दुनिया में क्या किया जा रहा है इसका अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने जा रहे हैं, उसने पूछा। उन्होंने ये भी अपील की कि कोरोना वायरस के नए उप प्रकार के प्रसार को रोकने के लिए पार्टियों को अलग रखकर और एक साथ आने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कोरोना फैला तो पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टास्क फोर्स या कमेटी बनाने का ऐलान किया। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है, केंद्र से समन्वय किया जाएगा, फडणवीस ने कहा। तत्काल एक टास्क फोर्स या कमेटी का गठन किया जाएगा जो बदलती स्थिति पर नजर रखेगी और सुझाव देगी और हम इसे खुद लागू करेंगे।